भारत माता की जय भारत माता की जय हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमने आज़ादी का अमृत महाउत्सव मनाने के लिए तिरंगा रैली का इनेकाद किया था और जिसमें पूरे जिले कुपवाड़ा के लोगों ने शिरकत की है, खासकर जो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा लहराने के लिए कहा है। ये सरकारी प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हमें जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है और इसकी आन और बान और इसकी शान के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज 20 करोड़ घरों पे झंडा लहराया जाएगा। और वही एक कड़ी आज हंदवारा से हमने शुरू की है और जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने फैसला ले लिया है, ये खासकर तवारीख में पहली बार हो रहा है क्योंकि हमारे नौजवान इस तिरंगे के साथ जुड़ रहे हैं और इसके आन और बान के लिए काम कर रहे हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहरा था, एक विधान एक संविधान एक निशान, और उसी को पूरा करने के लिए ये तिरंगा रैली भी, क्योंकि उसने 70 साल पहले इस कश्मीर में कुर्बानी दी थी कि ये कश्मीर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बन जाए। वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उसकी संगी बुनियाद रखी और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिले कुपवाड़ा में हर जगह रैली होगी। कल हमारा लोलाब में प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे जिले कुपवाड़ा पूरे देश में एक नंबर पे आ जाए, हर घर पे तिरंगा। ये पार्टियां थी जिन्होंने एक खौफ का माहौल बनाया था हुर्रियत के लीडरों के साथ में, मगर सचमुच आज हकीकतन वो डर और खौफ खत्म हुआ है। आज हर एक कश्मीरी ये कहता है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है।